बिजली विभाग में भर्ती पर नहीं लगी रोक, तो गणतंत्र दिवस पर विधायक कर सकते हैं अनशन। बिजली विभाग कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर विभाग कर रहा है नई भर्ती। शिवपुर विधायक ने दिया कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन। विधायक ने रिश्वत लेकर भर्ती करने का लगाया आरोप। भर्ती पर नहीं रोक लगाई जाती है तो गणतंत्र दिवस पर विधायक बैठेंगे अनशन पर। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के आश्वासन के बाद मांग पूरी नहीं होने पर 21 जनवरी से पुनः जारी हड़ताल को संविदा कर्मचारियों के समर्थन के बाद आज शिवपुर विधायक बाबू जंडेल भी हड़ताल स्थल पहुंचकर समर्थन प्रदान कर दिया है। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद बिजली विभाग ने नए लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी है। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन देने के बाद शिवपुर विधायक बाबू जंडेल बिजली विभाग द्वारा शुरू की गई नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाए जाने को लेकर बिजली विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं होने पर 27 जनवरी तक नई भर्ती रोके जाने को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधायक संघ महाप्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा है, मगर महाप्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो भर्ती पर रोक नहीं लगाए जाने पर शिवपुर विधायक बाबू जंडेल उग्र हो गए और बोले, अगर भर्ती नहीं रोकी गई तो गणतंत्र दिवस पर मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, अन्य तो अन्य जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। वहीं विधायक ने आरोप भी लगाए कि नई भर्ती को लेकर दलाल सक्रिय हो गए हैं। भर्ती 50,000 रुपए लेकर की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नई भर्ती कर अटेंडेंट से काम करवाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या होने वाला है ये आउटसोर्स वालों को? मैंने 3 दिन का इस हिसाब से मौका मांगा है और हम भी एक प्रतिनिधि है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और प्रशासक है MD साहब से बात करेंगे और मध्य प्रदेश का संगठन की सरकार से बात चल रही है, तो इस हिसाब से हमने 3 दिन का मौका मांगा था कि 3 दिन का मौका दिया जाए। तो नए आवेदन आ रहे हैं, आवेदन लो, पर जो ये नौकरी है इन लोगों की जो नौकरी कर रहे हैं अभी इनको बाहर मत निकालो, नहीं तो आंदोलन होगा। इनके भी बच्चे बच्ची है और इनको अनुभव है कि कल जो भर्ती नई भर्ती है ये एकदम बगैर ट्रेनिंग के काम करेंगे तो इनकी भी मौत हो सकती है, गांव में विद्रोह होगा। अभी हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ये सब जो काम कर रहे हैं बिजली कंपनी में तो सब अपने अपने फिटरों पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं भी इन लोगों से कह रहा हूँ कि किसानों की खेती नहीं बगड़ना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये सब सहमत है। और अगर ये सरकार प्रशासक ब्रिटेन सरकार की तरह तानाशाही कर रही है, पहले भी इन लोगों ने भर्ती किया था, पैसे लिया था लड़कों से, 4 महीना काम करवाया फिर भगा दिया, तो ये बिजली कंपनी को भेज दिया गया और बिजली कंपनी मनमानी तरीका से काम करवा रही है, 4 महीना काम करवाती भगवा देती है। अब AC का क्या कहना है? आपने 3 दिन का समय मांगा था, AC ने क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कल 26 घंटों दिवस से 26 जनवरी है, तो मेरा कहना है कि ये खुशी का दिन है, देश की आज़ादी है, इसमें ये नेतागिरी मत लाओ। 27 तारीख को हम निराकरण करेंगे, इनका जो संगठन बोर्ड है वो सरकार से बात कर रहा है, तो वो AC ने हमें आश्वासन दिया कि मैं आगे बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर बात नहीं की जाती है तो आपका क्या योगदान रहेगा? अभी संगठन अपना विचार करेगा, मैं संगठन के साथ और हमारे